नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस नई वीडियो में। आज 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन, हमने सोचा इस छुट्टी का कुछ खास बनाए। हमने बनाया इडली सांभर और साथ में नारियल की चटनी। हाँ जी, प्रिपरेशन बहुत टाइम लगा बनाने में, लेकिन जो मेहनत रंग लाई ना, वो बहुत ही मज़ेदार है। नारियल की चटनी है, देख लीजिए। इडली सांभर मैंने आपको दिखाई दिया, और बनी कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। एक स्पेशल तरह का कुकर हम लेकर आए हैं स्टीम, जिसके अंदर हमने बनाई इडली। कैसे बनाई वो दिखाता हूँ, उससे पहले आप देख लीजिए सांभर की कंसिस्टेंसी दिखा देता हूँ आपको। इसमें थोड़ा सा कुकर को आराम से दिखाता हूँ आपको। ये देख लीजिए, सांभर हमारा कुकर के अंदर है, और प्रॉपर मैं अंदर से दिखाता हूँ सांभर में। देखिए कितना रिच है, इसमें दाल वगैरह जितनी भी तरह की अलग अलग सब्ज़ी है, बहुत ही न्यूट्रिशियस बनाया है हमने इसको। साथ ही टेस्टी भी बहुत ज़्यादा है। और ये देख लीजिए, स्पेशल कुकर वॉल्ट के साथ, जिसमें सेफ्टी वॉल्ट होता है स्टीम के लिए। इतनी सारी इडली इसमें प्रिपेयर हो गई हैं, 2 बारी में हमने बनाई इतनी सारी। ये देख लीजिए, इस तरीके से बाहर निकलती है जब स्टीम हो जाती है। अलग अलग प्लेट्स होती हैं, ये देख लीजिए, सेपरेट करके दिखा देता हूँ, डिसमेंटल करके। अलग अलग 3 लेवल में प्लेट्स होती हैं, तो 1 बारी में करीब करीब 9 से 10 इडली इसमें प्रिपेयर हो जाती हैं, जो कि सफिशेंट है 3 से 4 लोगों के लिए 1 बारी में। और वो बार बार आप बना सकते हैं, 15 से 20 मिनट में ये स्टीम हो जाती हैं। ये देख लीजिए, एक एक प्लेट इसकी स्टेनलेस स्टील की है, तो बहुत ही ड्यूरेबल है। और ये देख लीजिए, सर्व किया हमने यहाँ पे है इडली 3, नारियल की चटनी और साथ में सांभर, जो कि रिच है सब्जियों में, और घर के ही मसाले हैं। बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा मसाले बाहर की तरह यूज़ नहीं किए हैं, तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को नुकसान नहीं करते, बहुत ही टेस्टी। और ये देख लीजिए, इडली कितनी स्विफ्ट तरीके से कट रही है, ये एक चम्मच से, एक हल्के से स्ट्रोक से, ऐसी ही होनी चाहिए परफेक्ट इडली। तो बस इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसी लग रही है। तो भाई, आज सुबह का ब्रेकफास्ट ये हमने खाया। इसी बीच अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।